दूसरों के दर्द में दुखी होना भूल गए हैं क्या आप? क्या अब भी आप अपनी गिनती इंसानों में करते हैं या आप अपने आप को भक्षक मान चुके हैं? भाई साहब, भक्षक मूवी का ट्रेलर आ चुका है जिसमें मेन लीड पर हमें भूमि पेडनेकर देखने को मिल रही है जो एज रिपोर्टर काम कर रही है। वैसे मूवी का ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है क्योंकि ये उस डायरेक्टर के डायरेक्शन में बनाई जा रही है जिनका जॉनरा ही यही है, जो बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी या फिर रियल इंसिडेंट पर इंस्पायर्ड होकर मूवी को बनाते हैं। चाहे आप इनके प्रीवियस क्रिएशन ले लें, डेढ़ बीघा जमीन जैसी मूवी हो गई, चाहे रोर जैसी मूवी हो गई या फिर मारूम जैसी मूवी हो गई, और बॉस डेड और अलाइव, भाई इसे कौन नहीं जानता, राजकुमार राव के मेन लीड स्टार में इस मूवी को बनाया गया था। दैट्स व्हाई कि भाई साहब ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग है क्योंकि इनके जो प्रीवियस क्रिएशन है वो मिट्टी से जुड़ते हैं, मतलब वो इन्फॉर्मेशन में जो डिटेलिंग होती है वो बहुत ही बेस्ट होती है इनकी तरफ से। तो भाई साहब कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा क्योंकि एक्शन मास मसाला बहुत देख कर आ चुके थे भाई, बोरियत होने लगी थी क्योंकि एक ही टाइप के कंटेंट एक बार 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 हमें देखने को मिलते जा रहे थे। तो मूवी के ट्रेलर को रिव्यू करते हैं, क्या हमें मूवी में आखिर मिल सकता है, ट्रेलर कितना प्रॉमिसिंग लग रहा है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई साहब अगर कंपैरिजन बेस पे बोले, मसाला एक्शनल या फिर वॉयलेंट मूवी जो भी हमने देखी है बहुत सी ज़्यादा कमर्शियल्स मूवी, तो भाई इस मूवी को उतना ज़्यादा भाव नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसे प्रीवियस क्रिएशन हम बहुत देख कर आ चुके हैं और रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर मूवी बननी चाहिए ताकि हमें पता भी लगते रहे कि भाई साहब कितनी दरिद्रता हो रही है अभी ऐसे जगहों पर जिन पे हम सीधे पहुंच नहीं पाते, लेकिन मूवीज के जरिए हमें बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन, बहुत सी ऐसी दरिंदगी देखने को मिलती जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, जो बिल्कुल सपोर्ट करती है कि भाई साहब आप बिल्कुल भक्षक हैं। और मूवी का टाइटल भी यही है और इससे रिलेटेड भाई ट्रेलर में भी यही देखने को मिल रहा है, भूमि पेडनेकर एज रिपोर्टर देखने को मिल रही है। ट्रेलर बिल्कुल ऑसम है और प्रॉमिसिंग है। बालिका गृह में दुष्कर्मों की कहानी को दिखाया जा रहा है, मतलब एक पॉलिटिशियन है जो हमारे दया भैया उस रोल को प्ले कर रहे हैं, हो सकता है ये विधायक भी हो जिन पे भाई पावर है और जिसके पास पावर होती है तो वो तो कुछ भी कर ही सकता है, और बालिका गृह में जाके ये किसी भी लड़की को उठाएंगे, उसका रेप करेंगे या फिर जरूरत पड़ने पर उन्हें मार भी देंगे जो ज्यादा बोलेगा उनके सामने, क्योंकि जिसके पास पावर है उसे कौन ही रोक सकता है। लेकिन भाई साहब एज रिपोर्टर भूमि पेडनेकर बहुत ही रौद्र रूप में लग रही हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात को भी दिखाते नजर आ रहे हैं कि ठीक है हिंदुस्तान में अभी जो चल रहा है रिपोर्टर्स जो अपना धर्म भूल चुके हैं, लेकिन भाई एज रिपोर्टर भूमि पेडनेकर बिल्कुल उस ऐसे मसीहा बनकर उभरेंगी जो उनको बिल्कुल न्याय दिलाने की कोशिश करेंगी। और ट्रेलर देखकर ये पता भी लग रहा है कि उस पॉलिटिशियन की जड़ उखाड़ने में भूमि पेडनेकर बिल्कुल भी कमी नहीं कर रही है। तो ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखो। 9 फरवरी को हमें नेटफ्लिक्स पर ये मूवी मिल जाएगी जो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो ऐसा मूवी के लिए एक्साइटमेंट है क्योंकि कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।